नगर सेवक पंकज यादव ने इस कार्यक्रम को भाईचारे की मिसाल बताया और कहा कि यह कार्यक्रम लोगों को एकता व अखंडता का संदेश देता है। साई मित्र मंडल द्वारा ये जो भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है सुनील यादव जी की अध्यक्षता में, ये एक बहुत ही नेक काम है और बहुत ही धार्मिक काम है। और जब साई के दरबार में हम सब पहुंच जाते हैं तो अपनी सब चिंताएं दूर हो जाती हैं और एक अलग अनुभव होता है। और यहाँ से एक संदेश भी जाता है कि अगर हम साथ में रहेंगे, हम एकता से रहेंगे तो हमारा देश भी प्रगति करेगा और हमें कोई रोक नहीं सकता है पूरे विश्व में भारत को एक नंबर पर पहुंचाने से। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नगर सेवक सुनील यादव ने अपने नगर सेवक पद को साईं बाबा का ही आशीर्वाद बताया। सभी कार्यकर्ता और साईं बाबा के आशीर्वाद से ही मैं नगर सेवक बना हूँ। तो ये जो आपको भव्यता दिख रही है, ये साईं बाबा की ताकत है, जो मुझे उन्होंने ताकत दिया है और उनकी वजह से ही ये कार्यक्रम हम इतने बड़े पैमाने पर ले रहे हैं। और इस मंदिर की जो अच्छापन है, जो भी मंदिर से जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं उनकी व्यवस्था अच्छी हो और यहाँ पर जो भी बाबा की सेवा करनी, यहाँ के हमारे लोकल कार्यकर्ता लोकल साई भक्त रोज करते 365 दिन। कार्यक्रम में आए भाजपा नेता उमेश राणे ने साई भंडारे के आयोजन के लिए सुनील यादव की सराहना की। इस बस्ती में सुनील यादव जी बचपन से कार्य करते हैं, आज उसका ये विशाल स्वरूप है और पिछले 29-30 सालों से जो सेवा का काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उसका परिणाम है कि आज यहाँ पर पूरे अंधेरी से हजारों भाविक यहाँ पर इकट्ठा थे और सुनील जी और उनकी पूरी जो टीम है उनकी ये पूरी मेहनत है। कार्यक्रम में साईं प्रसाद ग्रहण करने आए आम लोगों ने बताया कि यहाँ हर वर्ष काफी अच्छे ढंग से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जो भी भंडारे में मेहनत है सब सुनील यादव जी का है और बाकी के कार्यकर्ता का भी है और यहाँ के रहवासी भी बहुत उत्साहित है। भंडारा जब आता है तो सब बहुत खुशी से अपने मन से काम करते हैं। बोले तो बापा का भंडारा बोले तो बहुत ही अच्छा लगता है और उनके भंडारे में जो सब लोग सम्मेलन होते और भी बहुत अच्छा लगता है। आयोजन हर टाइम बोलते हर एक प्रत्येक वर्ष इधर अच्छा होता है। ये श्री सुनील यादव जी नगर से हो गए, उन्होंने जो भंडारा रखते कई सालों से रखते हैं और इनका जो भंडारा है बहुत अच्छे से करते हैं और मन से करते हैं। जो साईं बाबा का भंडारा था उसका हर साल यहाँ पे आते हैं और जो इनकी पूजा पाठ जो होती है वो कई बहुत अच्छी होती है, इससे हम लोग को सुख समाधान बहुत ही मिलता है। ये हर साल आता हूँ, साईं बाबा का भंडारा है ना, पैर पड़ने के लिए आता हूँ। नहीं अच्छा है, मतलब हर साल होता है और ये सबके लिए खाना ये सब ये रहता है। आज का भंडारा मतलब हम लोग के इधर 29 साल का भंडारा है लेकिन आज का भंडारा बहुत अच्छा लग रहा है और सुनील यादव जी नगर सेवक बनने से इधर बहुत खुशी आ गई है। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका व सुनील यादव की पत्नी संध्या यादव ने भी अपने परिवार पर साईं बाबा का आशीर्वाद बताया और कहा कि सुनील यादव के नगर सेवक बनने पर लोगों में काफी खुशी है। इस साल का भंडारा बोलेंगे तो मतलब अभी यहाँ के जो अभी नगर सेवक बने सुनील यादव जी, वो हमारे इस वार्ड के इतने साल से काम कर रहे हैं तो सबके दिलों में एकदम एक खुशी सी छा गई है कि चलो इस भंडारे में अपना नगर सेवक हक का नगर सेवक आया है। इसके लिए सबके मन में बहुत खुशी है और साईं बाबा का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद।